हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी इंजीनियर दाऊद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑनलाइन स्किल लर्निंग। सबसे पहले मैं अपने कंटेंट पे जाता हूँ, जिस तरह कि अभी मेरा जो है वो पार्ट 1 लर्निंग, जिसमें अभी हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हमने स्किल लर्निंग करनी है, जिसमें डिफरेंट वीडियो सेशन मैंने क्रिएट किए, जिसमें मैंने इंटरेस्ट डेवलपिंग से लेके हमने जो है वो कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल्स तक हमने सीखा, जिसमें हमने सर्च अबाउट स्किल, मार्केट वैल्यू, लिसन अबाउट इट, कॉस्ट ऑफ लर्निंग, टॉप ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट्स, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, हाउ टू कंप्लीट द मॉड्यूल्स ऑफ कोर्स। लेकिन आज हम सीखेंगे किस तरह से हम सीख सकते हैं, और इस वीडियो को मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम ऑनलाइन स्किल लर्निंग कर सकते हैं, और बेसिकली ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग और नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग क्या है। ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग अबाउट स्किल ये था, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे, अगर हम ऑलमोस्ट 10 ईयर बिफोर, अभी भी हैं, लेकिन अगर हम आज से 10 साल पीछे जाएं, जब डिजिटल मीडिया ने इतना यानी कि इसमें बूस्ट नहीं था आया, यानी कि एंड्रॉयड जो है या जो स्मार्टफोन्स हैं थे, लेकिन आज से 10 साल पहले जो है वो इतना ज्यादा यानी कि इसका ट्रेंड नहीं था। हर किसी के पास स्मार्टफोन जो है वो 10 या 12 साल पहले नहीं था, यानी कि अगर होता भी था तो स्कूल कॉलेज लेवल के बच्चों के पास नहीं था। तो बेसिकली तब जो था, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग था कि मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद, इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद ये होता था कि बोला जाता था कि कोई कंप्यूटर कोर्स कर ले, कोई ऐसा कोर्स कर ले। मीन कि स्किल तो हमेशा से जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन लर्निंग ये जो है वो बदलते गए, सीखने का जो तरीकाकार है वो बदलता गया वक्त के साथ साथ। तो जो पहले ट्रेडिशनल वे था ये होता था कि मतलब किसी इंस्टीट्यूट में जाएं और आप जाके वो स्पेसिफिक स्किल करें, और मोस्ट प्रोबेबली ये होता था कि मैट्रिकुलेशन बच्चे ने कंप्लीट कर ली तो उसे किसी इंस्टीट्यूट में भेजें ताकि वो कंप्यूटर कोर्स करे, और कंप्यूटर कोर्स में यही ऑफिस वर्ड और डिफरेंट जो ऑफिस मैनेजमेंट की चीजें और ये चीजें सिखाई जाती थी। वो 3 मंथ का कोर्स होता था, और उसमें जो है वो काफी चीजें, इसी तरह ऑटोकैड की स्किल होती थी, और डिफरेंट तरह के कोर्सेज थे, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज थे, और ई कॉमर्स के, और मीडिया मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। वक्त के साथ साथ ये था एक ट्रेडिशनल वे, और उसमें एक हम ह्यूज अमाउंट जो है वो पे करते थे, और उसके बाद हम स्किल सीखते थे और सर्टिफिकेशन लेते थे, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मोस्टली जो होता था वो फिजिकल मार्केट प्लेस में ही होती थी, और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का तब कम ट्रेंड था, फ्रीलांसिंग का बहुत कम लोगों को पता था। जैसे जैसे मीडिया ने, डिजिटल मीडिया में बूस्ट आया, वीडियो कंटेंट आया, तो बेसिकली वीडियो कंटेंट एक डिजिटल मीडिया की टाइप है, जिसमें वीडियो के थ्रू जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है। जिस तरह मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं आज एक बड़ी नाइस वे में बता रहा हूँ कि लर्निंग का जो ऑनलाइन स्किल लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब ऑनलाइन जो है वो इसमें जो है वो वक्त के साथ साथ डिजिटल मीडिया ने ग्रूम किया, स्मार्टफोन्स आ गए, और चीजें जो है वो आम होती गई, कॉमन होती गई। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों का वे ऑफ लर्निंग जो है वो भी चेंज होता गया। यूट्यूबिंग ने इतना ज्यादा, यूट्यूब जो है इतना इस टाइम तो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है कि अगर छोटी सी भी चीज होती है तो हम सबसे पहले जाके YouTube पे कंटेंट को सर्च करते हैं, Google पे जाते हैं, डिफरेंट सर्च इंजन्स पे जाते हैं, ठीक है। इतना डिजिटल मीडिया जो है वो ग्रूम कर गया, बूस्ट कर गया कि एग्जिस्ट। तो जो लर्निंग वे है, इसी तरह लर्निंग वे जो है, स्किल लर्निंग वे भी चेंज होते गए। फिर लोग फिजिकल से ऑनलाइन की तरफ जो है वो, ट्रेडिशनल से नॉन ट्रेडिशनल की तरफ जाने लग गए। लोगों ने ऑनलाइन जो है वो सीखना शुरू कर दिया, स्मार्टफोन्स के जरिए स्किल सीखना शुरू कर दी, और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट जिन्होंने पहले बनाए हुए थे, फिजिकल इंस्टीट्यूट्स थे, उन्होंने ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया, और ऑनलाइन क्लासेस थ्रू वीडियो कंटेंट और वेबसाइट्स बना ली, और डिफरेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स बन गए, जिसमें सेहरिफ्रीस वर्ल्ड वाइडली जो रिकॉग्नाइज है, कॉर्सेरा है, EDX है, MIT कोर्स, ओपनवेयर, और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, यूडेमी है, लिंक्डइन लर्निंग है, जिसमें हमारा जो सहरे फहरिस्त है, linda.com है, और डिफरेंट कंट्री लेवल पे साइट्स बन गई। मीन के वे ऑफ लर्निंग चेंज होता गया, लोगों ने सीखने का। अब इसमें यह था कि यह तो टाइम सेविंग है और इसमें कॉस्ट सेविंग भी है। लर्निंग बहुत इजी हो गई है, स्पेशली स्किल लर्निंग, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री। स्किल लर्निंग इतनी इजी और इतनी यानी कि लेस कॉस्ट में अब आप बहुत चीजें सीख सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से आप जो है वो बहुत कम और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप सीख सकते हैं इसके। तो ये जो वीडियो सेशन है ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल या ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग, स्किल लर्निंग का जो टॉपिक है, इसमें बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ऑनलाइन स्किल लर्निंग का ट्रेंड इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि अब हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। यानी कि 99% जो है वो चीजें ऑनलाइन है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो फिजिकली किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है और किसी के पास बैठ के सीखनी पड़ती हैं। तो ये ऑनलाइन स्किल लर्निंग का जो वे है ये वक्त के साथ साथ बदलता गया और आने वाले सालों में इससे भी ज्यादा इतना डिजिटलाइज हो जाएगा, इतना डिजिटलाइज हो जाएगा। इवन दो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप वीडियो कॉन्टेंट के जरिए चीजों को सीख रहे हैं, तो इसमें एक तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिल्कुल 0% रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप किसी डैशबोर्ड में बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, किस कंडीशन में बैठे हैं, आप सीख सकते हैं। सो दिस इज द अमेजिंग वीडियो सेशन अबाउट ऑनलाइन स्किल लर्निंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।